Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Ram Pratap, and today we will discuss Hindi. So I have included very important questions, so let's see. Pehla dosto Hindi vyakaran mein hum log dekhte hain sangya kya hoti hai. To sangya kise kehte hain? Sangya ko naam bhi kaha jata hai. Kisi prani vastu sthan bhav adi ke naam ko uske sangya kahi jati hai. संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बोध कराते हैं तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है. जातिवाचक जो संज्ञाएँ किसी जाति का बोध कराती हैं वे जातिवाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं, जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी, लड़की. अनिष्ट भाववाचक संज्ञा तो किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञात कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे हो गया क्रोध, हो गया मिठास, हो गया यौवन, हो गया कालिमा हो गई. ठीक है, इसके बाद देखते हैं लिंग क्या होता है. तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह. शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लोग लिंग कहते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं लिंग के प्रकार क्या होते हैं. हिंदी में दो लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ठीक है, हिंदी में लिंग निर्धारण के लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं. तो रूप के आधार पर निर्धारण किया जाता है, अर्थ के आधार पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर किया जाता है. ठीक है, और आप स्त्रीलिंग शब्द जानते ही होंगे. स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं. जैसे बड़ी ई, तो बड़ी ई बड़ा का वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, बड़ी, छोटा का स्त्रीलिंग छोटी, भला का भली. ठीक है, इसके बाद जैसे इन्हीं से योगी का योगिनी, और कमल का कमिलनी, इन का धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन, नी लगाकर मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, आनी का जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, आयन का ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित पंडिताइन, इया बिटे बेटा बिटिया, लोटा लुटिया. ठीक है, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं. उनको उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए. जैसे पुल्लिंग कवि का होता है कवियत्री, विद्वान का होता है विदुषी, नेता का नेत्री, महान का मैथी, साधु का साध्वी. आपके सब उपर्युक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर शुद्ध वाक्य बनता है. जैसे कि देखते हैं आपकी महान कृपा होगी, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है ये. आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है. वह एक विद्वान लेखिका है, तो ये अशुद्ध वाक्य है. और वह एक विदुषी लेखिका है, फीमेल के लिए विदुषी उपयोग करते हैं, ये सही है. फिर इसके बाद देखते हैं वचन क्या होते हैं. तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन. शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं. जैसे कि बालक हो गया, घोड़ा, किताब, में जाते. बहुवचन कैसे किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे बालक, घोड़ों, किताबों, मेजों. ठीक है, वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं. कुछ सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश. ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, इसके बाद देखते हैं मैं, और जैसे बाल हो गया, तो बाल भी हमेशा प्लुरल में यूज किया जाता है, बहुवचन में यूज होता है. हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं. आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया कर जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो श्रेष्ठ कवि थे, आप क्या चाहते हैं. अनेक शब्दों का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है. जैसे वहाँ अनेकों लोग थे, ये अशुद्ध है. वहाँ अनेक लोग थे, ये शुद्ध है. बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये अशुद्ध है. और इसका शुद्ध होगा बाग में अनेक वृक्ष थे. इसके बाद देखते हैं कारक क्या होते हैं. तो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता, क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं. जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में राम क्रिया यानी मारने का काम कर रहा है, करता है. रावण इस मारा क्रिया का कर्म है. वाण से यह क्रिया संपन्न की गई, अतः वाण क्रिया का साधन होने का कारण है. कारक और कारक चिन्ह देख लेते हैं. कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है अरे
ठीक है, ये होते हैं आपके कारकचिन्ह। फिर इसके बाद देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, आप, आदि, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, फिर इसके बाद और देख लेते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और इस तरह से ये 6 हो गए। इन सर्वनाम के उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे पुरुषवाचक जो होता है उसमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में हो गया आपका तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, ठीक है, यह, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे निकटवर्ती की चीज़ें यह, ये, और दूरवर्ती की वह, वे। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, प्राणीबोधक जैसे कोई, और वस्तुबोधक जैसे कि कुछ। संबंध बोधक क्या होता है, जो, सो। प्रश्नवाचक क्या होते हैं, प्राणीबोधक कौन, वस्तुनिष्ठ क्या। निजवाचक में आप। अब इसके बाद देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब देख लेते हैं विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। अब इसके बाद देखते हैं क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, जगना आदि। तो धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। तथा चलना, चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पठ धातु है। क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो क्रियाएं कर्म के साथ आती हैं, सकर्मक होती हैं। जैसे मोहन फल खाता है, और यहाँ पे फल क्या है, कर्म है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि राधा रोती है। फिर क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, जैसे सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ पे देखिए कि भोजन करके सो गया, यानी पहला कार्य समाप्त हुआ भोजन करने का, फिर सो गया, तो ये दूसरी क्रिया है। अब इसके बाद देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी सीधे से बात, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आदि चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं अव्यय के प्रकार क्या होते हैं। अव्यय के भेद, 4 भेद बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, स्थितिवाचक, यहाँ वहाँ, भीतर बाहर, दिशावाचक, इधर उधर, दाएं बाएं, कालवाचक, समयवाचक, आज, कल, अभी, तुरंत, अवधिवाचक, रात भर, दिन भर, आजकल, फिर बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, परिमाणवाचक, अधिकता बोधक, बहुत खूब, अत्यंत, न्यूना बोधक, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, पर्याप्त बोधक, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, तुलना बोधक, कम, अधिक, इतना, उतना, श्रेणी बोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, रीतिवाचक, ऐसे शब्द, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, आवश्यक, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन जितना था लगभग मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह ताकि मैं इस तरह के आपको वीडियो और देता रहूँ।